बस यही है कि हम गए दिसंबर माह में राशन उठाने के लिए, तो अंगूठा दबा लिए। राज्य सरकार वाला, केंद्र सरकार वाला, दोनों वाला, खाली एक राशन मिला हमको, एक ठो नहीं दिए। फिर बोलने गए तो बोल देते हैं कि जब हम अंदर घुसें उसका दरवाज़ा बंद करके वो बाहर निकल गए। फिर हम मजबूरी में फिर लेके जो दिए हम फिर लेके निकल गए बाहर। कितना राशन मिलता है आपको? 7 आदमी का मिलता है 35 किलो चावल, उसमें कुछ कम हो जाता है वजन में। कौन सा कार्ड है आपका? लाल कार्ड है। नमस्कार साथियों, मैं सरोज कुमार रवानी और आप देख रहे हैं इंडिया अनहर्ड। और आज हम आए हैं गिद्धौर प्रखंड के बारिसाखी पंचायत के नायाखाप गांव। बारिसाखी पंचायत में लगभग 1200 राशन कार्डधारी है और इस पंचायत में 8 डीलर है जो राशन वितरित करता है। लेकिन दिसंबर माह का सरकार द्वारा अतिरिक्त राशन इन लोगों को नहीं दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं ग्राम नायाखाप से एक रिपोर्ट। समस्या है सर कि हम लोग पूरा पंचायत का दिसंबर माह का राशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों का आया हुआ था, उसमें से सिर्फ डीलर लोग एक ही का राशन दिए और एक का राशन नहीं दे रहे हैं। पूछने के बाद बोलते हैं कि जाओ बाद में दे देंगे, और हम लोग से अंगूठा लगवा करके दोनों वाला राशन निकासी करवा ले रहे हैं और सिर्फ एक ही का राशन दे रहे हैं हम लोग को। ईपोस मशीन से आप लोग को स्लिप मिला था? नहीं, स्लिप कभी नहीं देता इन लोग, देता ही नहीं और उस समय भी नहीं मिला। तो आप लोग को कैसे पता चला कि दिसंबर माह का दोनों राशन का निकासी किया गया है? कुछ लड़के लोग मोबाइल से चेक किए, उसके माध्यम से हम लोग को पता चला कि दिसंबर माह का दोनों वाला राशन निकासी किया गया है और उसमें से सिर्फ एक ही राशन हम लोग को मिला है, उसी से हम लोग को मालूम पड़ा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का दिसंबर माह का जो राशन नहीं दिया है वो हम लोग को राशन मिले, और इसके आगे डीलर लोग हम लोग के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करे, क्योंकि हम लोग का वही रोजी रोटी है। उस यदि हम लोग को चावल नहीं मिलेगा तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाता है गुजर बसर करने में। समस्या सर मेरा यही है कि दिसंबर माह में जो 2 बार का राशन मिलना था, एक राज्य सरकार का और एक केंद्र सरकार का, लेकिन डीलर द्वारा हम लोग से मशीन में अंगूठा का निशान ले लिया गया और 2 महीने का निशान निकासी किया गया, जिसमें सिर्फ राज्य सरकार का ही राशन मिला, ना कि केंद्र सरकार के दिया गया। कितना राशन आपको मिला? हमको देखिए, उसमें डीलर और धांधली भी करते हैं, उनका वजन में माप तोल का जो टीना लगाते हैं उसका ये नहीं रखते हैं। वहाँ हमको 7, मेरा राशन कार्ड में 7 फैमिली का है, 35 किलो होता है, लेकिन जब राशन लाते हैं तो उसका वजन करते हैं 30 kg के यहाँ होता है। कौन सा कार्ड है आपका? लाल कार्ड है। कितने लोगों का नाम है इसमें? 7 लोग का है। इसके लिए आप लोग क्या क्या प्रयास किए हैं? इसके लिए देखिए, हम लोग मुखिया के यहाँ घेराव भी किए, एप्लीकेशन भी दिए हैं, डीलर का भी घेराव किए, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए समुदाय के साथ बैठक कर एक आवेदन बनाया और पंचायत के मुखिया से मिलकर संपर्क किया। बारिसाखी पंचायत में दिसंबर माह में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों राशन मिलना था, जो डीलरों द्वारा लाभुकों को अंगूठे का निशान ले लिया गया और एक राशन दिया गया। उसके बाद मैंने पूछताछ किया, तब बोला कि ये लोग को हम अभी अलॉटमेंट नहीं आया है, माल मेरे पास नहीं, इसलिए 6 तारीख तक हम माल राशन को हम वितरण कर देंगे। लेकिन अभी तक राशन का वितरण नहीं किया गया है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने ब्लॉक परिसर आए, लेकिन मिल नहीं पाए, तो मैंने बड़ा बाबू से आवेदन रिसीविंग करवाए और एमओ सर से फ़ोन पर बात की, तो उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों के पास इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई तरकीब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी ही इस पर बदलाव लाकर आप सबको अपडेट करूँगा। मैं सरोज कुमार रवानी, झारखंड, चतरा से इंडिया अनहर्ड के लिए।